देश के रत्न और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा इसी महीने गुजर गए, लेकिन वो अपने जाने से पहले ये सुनिश्चित करके गए कि उनके जाने के बाद भी उनके पालतू कुत्ते टीटो का हर हाल में ख्याल रखा जा सके। वसीयत में रतन टाटा ने अपने ड्राइवर, बटलर और अपने कुत्ते समेत कई लोगों को अपनी संपत्ति दी है, लेकिन उन्होंने अपने सौतेले भाई नोएल टाटा का जिक्र तक नहीं किया। इससे रतन टाटा और उनके भाई नोएल टाटा के रिश्तों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपने सौतेले भाई और टाटा ग्रुप के मौजूदा मुखिया नोएल टाटा को कुछ भी नहीं दिया गया, ऐसा क्यों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रतन टाटा ने अपने जीते जी नोएल टाटा को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। पिछले कुछ सालों में मीडिया रिपोर्ट्स और किताबों में दोनों भाइयों के रिश्तों को लेकर कई बातें कही जाती रही। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते बहुत ही जटिल थे। शायद यही वजह थी कि रतन टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हालांकि रतन टाटा और नोएल टाटा ने पब्लिकली कभी जाहिर नहीं किया कि दोनों में मतभेद है, लेकिन उनके रिश्ते और अब वसीयत तो यही बताती है। हालांकि दोनों में तब सुलह हो गई थी जब साइरस मिस्त्री को रतन टाटा ने ही टाटा ग्रुप का मुखिया बनाया था, लेकिन बाद में मिस्त्री के काम करने के तौर तरीकों को लेकर उनका रतन टाटा के साथ मतभेद हो गया। वैसे आपको बता दें कि साइरस नोएल के साले थे, यानी उनकी पत्नी के भाई। इसके बाद भी नोएल ने रतन टाटा को सपोर्ट किया। रतन टाटा और नोएल टाटा के बीच रिलेशन बहुत जटिल रहे। बेशक वो दोनों नवल टाटा के बेटे थे, लेकिन अलग माँ से। इस लिहाज से नोएल टाटा उनके सौतेले भाई हैं, लेकिन उनके बीच की बातचीत अक्सर दूरी वाली ही रही है। रतन टाटा अपने पीछे 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। अपनी वसीयत में उन्होंने अपने परिवार और कर्मचारियों का ख्याल रखा है। उन्होंने अपने भाई जिमी टाटा, सौतेली बहनें शीरी और डीएना जीजी बॉय के लिए संपत्ति छोड़ी है। घर के नौकरों और दूसरे लोगों को भी याद किया। रतन टाटा ने अपने पालतू कुत्ते टीटो का भी ख्याल रखा। वसीयत में इन सभी के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन टाटा ग्रुप के अभी जो मौजूदा मुखिया हैं और उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के लिए उस वसीयत में कुछ भी नहीं है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।